सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। कहते हैं जब प्यास सर चढ़कर बोलता है तो इंसान किसी भी हद पर जा सकता है। जालौन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई, इसके बाद प्रेमी को घर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी व महिला को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के नगर कालपी मोहल्ला के राम चबूतरा का है, जहां बीती 19 नवंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने बाबू खान नामक शख्स को घर में घुसकर सर कूचकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी नगीना ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद मामले की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इस पूरे मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया। खुलासे के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे पति को पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाया था। घटनाक्रम का खुलासा करते हुए सीओ कालपी आरपी सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी नगीना का बिंदकी जिला फतेहपुर निवासी जावेद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। नगीना ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी नगीना ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई, उसके बाद प्रेमी को घर पर बुलाया। प्रेमी ने ईंट व चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आज आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। दिनांक 19/11 को तहसील यहाँ कस्बा कालपी में मोहल्ला राम चबूतरा में एक ट्रैक्टर मिस्त्री थे श्री बाबू खां सन ऑफ श्री कल्लू, इनकी रात में हत्या कर दी गई थी। इनकी पत्नी श्रीमती नगीना ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया था थाने में 4 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध। पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में और सर्विलांस SOG जालौन टीम के और कालपी पुलिस के माध्यम से इसका कुशल अनावरण किया गया है। इस घटना में वादिया नगीना का कथित प्रेमी जावेद खान गिरफ्तार किया गया है और इसने ही नगीना के माध्यम से उसको पहले नशे की गोलियां दी और उसके दरवाज़ा खोलने के बाद ये घर के अंदर इसने प्रवेश किया और घर में जाकर ईटा व चाकू मार के हत्या कर दी थी। आज अभियुक्त जावेद खान व नगीना को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।